हिम्मत बांधो शहर को भागेगा शैतान प्यार, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागे का शैतान प्यारो, क्रूस का निशान जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो भारत पर हो हुआ परेशान प्यारो, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्ति दाता सफर मेहरबान प्यारो, हिम्मत बांधो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यार यीशु का बयान, वो है राजा मुक्ति दाता सफर में है बाल प्यार, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती कर यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान प्यार, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, मैंने वास्तव में मसीह यीशु ने हमें सिखाया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो, मैं हूँ मसीह यीशु में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वास्तव में जो खुदावंद है जो हृदयों को बदलने वाला है, मैं तो चाहे जिसने भी मसीह यीशु की भूमियों पर निगाहें मारी हो, मेरा यीशु सबके मनों को बदलने वाला है, मेरा अपना यीशु मसीह प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, मैं तो ना उत्तर से ना दक्षिण से ना पश्चिम से ना पूर्व से, वरन सहायता यहोवा की ओर से आएगी, क्योंकि वही तो है वो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो हमारे पांव को टलने न देगा, हमारा पांव भी सूख जाएगा और सोएगा, मैं तो प्रार्थना कीजिए, मैं तो प्रार्थनाओं में बल है, मैं तो वो भूमि जो खुदा ने हमें दी है, निश्चित तौर पे उस भूमि को कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु ही है जो दया करने वाला है, यीशु ही है जो अनुग्रह करने वाला है, अरे लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागे ना शैतान, चारो हिम्मत बांधो ये भूमिया हमारी है और निश्चित तौर पर हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है, मेरे दुआ करे खुदावंद से, मेरा आपका परमेश्वर का उत्तर देने वाला पिता, मेरे जब जब में और आप मसीह यीशु में होकर प्रार्थनाएं करेंगे तो हम सब खुदावंद जो है जो अनुग्रह करता है, प्रार्थना कीजिए अपने देश के राष्ट्रपति, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रार्थना कीजिए जिलाधिकारी के लिए और तमाम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, दुआएं करो यीशु ये न्याय प्रक्रिया के लिए, प्रार्थना करो कि हमारा
परमेश्वर जज इसके हृदय को बदल दे। हमारा खुदावन हमारे वकीलों को ईमानदारी दे। और वास्तव में जो भूमिया मसीह की है, जो भूमिया यीशु मसीह के लोगों की है, वो उनसे कोई छीन ना पाए। नीचे देख के सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, अरे वो तो पहले से हारा हुआ है। बोलो शैतान का सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। ना तो बल से ना शक्ति से ना तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से ना तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ये शैतान हर जाएगा, ये शैतान हर जाएगा, ये शैतान हर जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
चावल से प्रार्थना करें हमारी भूमि के लिए। हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं अजमेर की भूमि के लिए जो खुदावंद ने दोबारा हमें वापस दिलाई। और हमारा निश्चय ईमान है मेरठ की कलीसिया, मेरठ के चर्च और मेरठ के लोग, मेरठ का मसीह समाज इस बात की गवाही है। किस बात की? किस बात की? बोले जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हमसे कोई किसी का पाप भी हमसे किसी का दादा भी हमसे नहीं छीन सकता। हालेलुया। परदादा तो चले गए। जब कलीसिया एक मने जिन्हें कहा तुम होकर प्रार्थनाएं करती हैं, क्योंकि वजह न तो रथों से, न घोड़ों से, न तलवारों से, न पैसे से, न रिश्वत से, न बेईमानी से, न झूठे कागजों से अगर विजय आती है, यह परमेश्वर की ओर से आती है। जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, हम तो चैन से सोते, खाते पीते मौज करते, चिकने चिकने उत्तम पदार्थ खाते। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी उल्टा नहीं है। अमीन अमीन। वो उल्टा है ना, होता है वो, हम तो मजे में। लेकिन जिन्होंने खुदा की भूमि को घेरा, जिसने खुदा की भूमि की तरफ बुरी दृष्टि की, अरे चैन नहीं है, आराम नहीं है, रातों को नींद नहीं है। देखो हमारा परमेश्वर दयालु है। प्रार्थना कीजिए विशेष तौर पर पूरे भारत देश में जितने स्कूल हैं हमारे, जितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जितनी भूमियां हैं हमारी, वो बड़ी बिल्डिंग है जो आज खंडर पड़ गई है, क्योंकि हम और हमारे घराने पे ईमान थे, क्योंकि हम हमारा घराना छोड़ था, क्योंकि हमने हमारे कुल ने गुनाह किया, उसकी वजह से खुदावंद का कोप हम पे ठहरा है। लेकिन वास्तव में खुदावंद दिया जो क्षमा करने वाला है। मेरे खुदावंद ने खुदा कलाम लिखा है, खुदावंद दुख देकर पछताने वाला है। जब कलीसिया गुहार लगाती, मेरे खुदा के कलाम को पढ़ के देखना, खुदावंद ने कलाम लिखा है, मेरी कौम, मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरी औलादों की कराहटें मेरे कानों में पड़ रही है, अब मैं ठहर नहीं सकता, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। मैं तो कभी भी इज़राइली बिना अपनी गलती के गुलामी में नहीं गए। इज़राइलियों ने लिखा है, कोई इज़राइलियों को हरा नहीं सकता था, नहीं तो उसकी कौम की दूसरे राजा और देश गवाही देते थे, अरे ये नहीं लाते। इज़राइलियों के साथ जो वाचा का संदूक चलता था, वहां खुदा कलाम में लिखा है, लोग गवाही देते थे, अरे भाई अब तो भाई मुश्किल है, कोशिश करते थे वाचा का संदूक छीन लो इनसे। मैं तो खुदावन के लोगों में वो सामर्थ ठहरी है कि सिर्फ हाथ उठाने भर से विजय प्राप्त हुई है। बेजलार उठाई और खुदावन से सामर्थ मांगी, खुदावन को पुकारी, खुदावन से प्रभु इस फिरौन को, इस फिरौन को, इसकी सारी सेना समेत उठा लिया जाएंगे, लाश समेत में डाल जाएंगे। मैं तो कई बार, मैं बड़ा फैन हूँ ओल्ड टेस्टमेंट, मेरा फेवरेट चैप्टर, मतलब फेवरेट रहा है हमेशा से, मैं पुराने नियम को बहुत बहुत फॉलो करता हूँ। मैं तो और स्पेशली फिरौन मेरा फेवरेट टेक्स्ट है। मरने के लिए फिरौन को इतनी जल्दी थी, खुदा ही कलाम लिखा है, खुदा मूसा के मार्फत फिरौन के पास खबर पहुंचवाता है और वो क्या कहता है, जा मेरे लोगों को मेरी इबादत करने दे। पहले फिरौन क्या करता है, अच्छा ठीक है जाओ, फिर थोड़ी देर बाद
वहाँ लिखा है। मैं कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, मैं जब छोटा था मैं बाइबल पढ़ता था, मैं कहता खुदा बाप आप तो चीटिंग करते हैं। एक तरफ तो आप मूसा को भेज देते हैं कि जा फिरौन से कहे और वो मेरी कौम के लोगों को जाने देगा, और आगे लिखा है वहाँ लिखा है फिर खुदा ने, जब मैं इस लाइन को पढ़ता था मेरा दिमाग चकराया गया, वहाँ लिखा फिर खुदा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उसे जाने के लिए मना कर दिया। मैं खुदा बाप जब आप ही उसके मन को कठोर कर रहे हो तो फिर मूसा को क्यों कह रहे हो जाके कहे। फिर लिखा है फिर खुदा ने मूसा को भेजा, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ चले जाओ चले जाओ। फिर वहां क्या लिखा है, फिर खुदा ने मूसा के हृदय को कट, उसके फिरौन के हृदय को कट कट कट। खुदावंद ऐसे नहीं छोड़ता, जिसने खुदावंद की कौम को छुआ, जिसने खुदावंद के दास और दासियों को छुआ, जिसने खुदावंद की कौम से बेगारी कराई, जिसने खुदावंद की कौम को गुलाम बनाया, पैसे के बल पे, ताकत के बल पे, पोजीशन के बल पे, राज्य के बल पे, खुदावन अपनी कौम के नन्हे बच्चे से लेकर एक औरत तक का न्याय करने वाला परमेश्वर है। भाई तो खुदावन नहीं चाहता था फिरौन बच जावे, खुदावन देख रहा था कैसे मेरी औलाद से बेगारी करा रहा है, कैसे मेरी औलाद को पूरी मेहनताना नहीं दे रहा, कैसे अब तो पुआल देना भी बंद कर दिया, अब तो डबल काम करा रहा है कम पैसे में। खुदा ने कहा अच्छा मेरी कौम मेरे लोगों का हिस्सा मारेगा। वहां लिखा है खुदा ने अद्भुत योजना ठहराई, मूसा और इसराइली भी समझ नहीं पाए और अभी हम भी समझ नहीं पा रहे क्यों इस फिरौन का मन खुदा कठोर कर रहा है। हमें तो चुटकी में आंसर चाहिए ना, मैं भी ऐसे मैं कई बार खुदा ना खुदा इतने दिन हो गए, अब तो 18 दिन हो गए, अब सुन ही नहीं रहे हो कर क्या रहे हो, वैसे तो आप हाल सुन लेते हो। मैंने लिखा है बेगारी कराई है ना, बेगारी जो पैसा ईसाई कौम का बर्बाद हुआ है, जो पैसा मेरी कौम का मेरे यीशु मसीह के खजानों का बर्बाद हुआ है, अरे उसे भी तो अब रिकवर करना है। मैं तो वहां लिखा है उसके बाद खुदा ने मिस्रियों की स्त्रियों के हृदय को ऐसा विनम्र किया कि इजरायली औरतों से कहा तुम जाओ पड़ोस में जाना अपने अपने और उनसे कहना हम इबादत करने जा रहे हैं, अपने गहने दे दो, बहन ये सोने के कुंडल दे दे, ये चैन दे दे, अच्छे कपड़े दे दे, कोई दे देगा गुलाम को, आपकी काम वाली है और आपसे कहे कि मैं शादी में जा रही हूँ प्लीज मुझे अपना महंगा वाला गोल्ड हार चैन कपड़े दे दो, आप दे दोगे। जीवन में याद रखना मन का कठोर करना और मन का विनम्र करना खुदावन के हाथों में। वहां लिखा है खुदा को लूटना था बैलेंस बराबर करना था, जितनी मेहनत तुमने मेरी कौम से कराई है उतने पैसे तो दो, मारूंगा तो मैं तुम्हें है ही लेकिन फ्री में नहीं, मेरी कौम यहां से जाएगी गरीब बन के नहीं, मेरी कौम यहां से जाएगी अमीर बन के जाएगी। हालेलुया हालेलुया। मैंने खुदावंद कब किस रास्ते से अमीर बनाएगा पता भी नहीं पड़ेगा, खुदावंद कब कैसे किससे पलटा लेगा पता भी नहीं पड़ेगा। मैं तो लिखा है अब पैसे आ गए ना, अब जाओ उन्होंने कहा पैसे आ गए अब उन्हें इजाजत दे दी जाओ। खुदा ने कहा यार दे दी मेरी कौम चली जाएगी और जो इसने मारा है मेरे बच्चों को मेरे लोगों को मेरे नाम को ललकारा अब इसका क्या। जाने के बाद मलका फिर खुदा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उसने रखो एंड तक जब तक की मौत ना हो जाए, जब तक की तबाही ना आ जाए शत्रु पर खुदावंद छोड़ता नहीं। खुदावंद वो खुदा था जो दया करने वाला है तो वो न्याय करने वाला भी है, जो प्रेम करने वाला है वो क्रोध करने वाला भी है, इसलिए खुदावंद के क्रोध से भागो। लिखा है फिर खुदा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। फिरौन ने क्या कहा, अरे ये कैसे चलेगा, रथ बांधो घोड़े तैयार करो सेना तैयार करो इनके पीछे हम जाएंगे। उसे ये नहीं पता था कि वो इसराइलियों के पीछे नहीं जा रहा है, वो अपनी मौत के पीछे जा रहा है। खुदा मैं बाइबल थोड़ी जानता हूँ लेकिन अद्भुत जानता हूँ, यीशु मसीह अद्भुत है।
खुदा सीधे सीधे काम कभी नहीं कराता। सच बता रहा हूं, मैं इस केस में भी देख रहा हूं ना, खुदा सीधे सीधे काम नहीं कराता। चाहे कब्रिस्तान के पेड़ कटने की बात हो, चाहे चर्च एक्सटेंशन की बात हो, मेरे की कलीसिया यहां यीशु मसीह सीधे काम नहीं कराए। इस कलीसिया से, शहर से यीशु को महिमा पहुंचनी है। जो काम मनुष्य से हो सकता है उससे खुदा को महिमा नहीं मिलेगी। जब मनुष्य से चुप काम करने बंद कर दिया, खुदा कहेगा अब मुझे महिमा चाहिए, मैं करता हूँ। हालेलुया। मैं तो खुदावन अगर चाहता लाल समुद्र को सीधे सीधे दो भागों में बांट देता, सीधे सीधे। कैसे बांटा? क्या लिखा है? वहां लिखा है ऐसे नहीं बांटा, बीवाल की नाई समुद्र को खड़ा कर दिया। हालेलुया। अगर ऐसे दो भागों में बटा होता तो शायद चांसेस थे कि लहर आ गई, ऐसी चली गई लहर आ गई। लगा सीधा काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा जो तुमने सोचा भी ना होगा। और मेरठ की कलीसिया, मेरठ शहर में खुदावंद ऐसा काम करने जा रहा है जो हमने सोचा भी ना होगा। मेरा अपना यीशु अद्भुत करने वाला है। बस ईमान में बने रहो, कमजोर मत हो। आपसे ये दूसरे पर विश्वास करो, सुख में दुख, अमीरी में गरीबी में, जैसे पत्नी के साथ वादा करते हैं वैसे ही अपने बहन भाइयों के साथ भी वादा करो कि हम कलीसियाई परिवार में बने रहेंगे, हम कलीसियाई मोहब्बत में बने रहेंगे और ये कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बनेगी। मेरठ शहर तेजस्वी शहर बनेगा। मेरठ की कलीसिया अद्भुत अद्भुत बड़ो अद्भुत सारे ईमान 1600% अद्भुत 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 अनुभव करने जा रहे हैं। यीशु के जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि वो महिमा के योग्य, वो आदर के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य, वो गौरव के योग्य है। सारी महिमा, सारी महिमा, सारी शक्ति, सारी इज्जत, सारा गौरव, सारा गौरव जिंदा खुदा को पहुंचे। जिंदा खुदा को। आमीन आमीन। हम सब दुआ करें। आइए प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। घुटने पे आ सकता है, वो घुटने पे आ जाए। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तो अद्भुत परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू प्रभु जी इस समय अद्भुत कार्य कर, तमाम दिनों के अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय, आज के पवित्र दिन की, इस समय के अद्भुत कार्य के लिए जो तूने किया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने दासों अपने सेवकों के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम विरोधियों के लिए कि उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम इस मसीही समाज के लिए प्रभु जी, मेरे की कलीसिया के लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर, सभी को एक मन एक चित कर पिता परमेश्वर, ताकि सब तुझसे प्रार्थना में बने रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर तो अद्भुत कार्य करने जा रहा है पिता परमेश्वर, तो अद्भुत कार्य करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे विरोधियों के जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहा है पिता परमेश्वर, तो उनके मनों को बदलने जा रहा है पिता परमेश्वर, और उन्हें हमारे फेवर में करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे शहर के तमाम अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, न्याय अधिकारी गणों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम जजेस के लिए प्रभु जी, तमाम वकीलों के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, और उन्हें हमारे फेवर में कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरा अद्भुत कार्य हम आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर शीघ्र से
से शीघ्र देखने पाए प्रभु जी, जिस मुहिम के लिए प्रभु जी तेरे लोग खड़े हैं और निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, डीएस साहब की अगुवाई में पिता परमेश्वर, तमाम तेरे उनकी टीम के लोगों की अगुवाई में पिता परमेश्वर, उनके साथ जुड़े हुए इस मुहिम में शामिल लोगों के जीवन में तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु जी तू अद्भुत करने वाला हमारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बिशप साहब, एमसीआई के तमाम अधिकारियों के लिए, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु जी, सेवकों के लिए, उनके जीवनों में भी प्रभु जी अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर, जबकि वो इस विषय को लेकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पिता परमेश्वर तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर, और इस पूरे मिशन कंपाउंड को अपनी अद्भुत युक्ति अद्भुत कार्यों में तब्दील कर दे पिता परमेश्वर, ताकि पूरे मिशन कंपाउंड और इसमें रहने वाले सब लोगों के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिलती चली जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु जी, आप प्रभु जी तेरी कृपा हम सबके जीवन में बहुत है प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने दास को सामर्थ्य दे प्रभु जी, अपने दास को सामर्थ्य भर पिता परमेश्वर, अपने सेवकों को सामर्थ्य भर प्रभु जी, ताकि हम तेरी दी हुई इस प्रजा की अगुवाई कर सके पिता परमेश्वर, जो इस मुहिम में प्रभु जी इस भरोसे के साथ तुझ पे भरोसा रखते हुए तेरे सेवकों के साथ जुड़े हुए प्रभु जी, अपना कीमती समय निकालते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, असंभव को संभव कर दे, संभव कर दे, संभव कर दे, यीशु के नाम में मांगते तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह अपने फसल वालों को माफ कर तू भी हमारे फसल को माफ, हमें आजमाइश में न पड़े बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा सदा आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और आशीष भजन में शामिल हों। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी उपस्थिति अब से लेकर हमेशा तक एक जमाई के साथ, और हम जितने भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने तुझ पे विश्वास किया कि सारी चीजें तू हमारे साथ सम्मिलित करता है कि हम तेरे नाम की महिमा करें और तुझसे मांगे, तूने कहा कि जब तुम मांगते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ देता हूँ, वास्तव तुम्हारा विश्वास मुझ पे हो, मेरा अनुग्रह मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को बदल दे, पिता परमेश्वर हम अपने मन को बदले और सबसे पहले तेरे साथ सम्मिलित तेरे नाम की महिमा करें और हमेशा धन्यवाद, ये सब कुछ अपने भाग होता यीशु मसीह के नाम, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम करता हूं, खुदा में बने रहे, आशीष नाश। शाम को 6 बजे मिस्टर संजय ने रीना राय के यहाँ मीटिंग होगी, हमारी जो फोटोडेज नंबर एक गली नंबर 1 में, गली नंबर 1 में।